हेलो गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप रक्षाबंधन के लिए एक अपना फ़ोटो कैसे एडिट कर सकते हैं या फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसे एडिट कर सकते हैं पिक्सआर्ट की मदद से। तो चलिए, सबसे पहले आप इस बैकग्राउंड को ओपन कर लीजिए। इस बैकग्राउंड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले शेयर वाले पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद इसको पिक्सआर्ट में ऐड कर लेंगे। यहाँ से पिक्सआर्ट में ऐड हो रहा है। पिक्सआर्ट में होने के बाद फिर यहाँ से ऐड फोटो पे जाएंगे, फिर अपना फोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को यहाँ पर ऐड करना है। अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे इरेज करें, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वीडियो का लिंक, जाकर देख सकते हैं। एकदम बढ़िया तरीके से बताया गया उसमें। देखिए, इतना करने के बाद फिर से आपको यहाँ से ऐड फोटो पर जाना है। ऐड फोटो पर जाने के बाद यहाँ से ये रक्षाबंधन का बैकग्राउंड ऐड कर लेंगे। ये जो रक्षाबंधन लिखा हुआ है इसको ऐड कर लेंगे। इस फोटो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड करने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ कुछ इस तरीके से लगा के इसको बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद यहाँ आपको एक चीज़ करना है, यहाँ इस तरह ये जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, फिर इसको मूव डाउन कर देंगे तो ये हमारा नीचे चला जाएगा फोटो पे। इतना करने के बाद फिर से यहाँ ऐड फोटो पर जाएंगे। ऐड फोटो पे जाने के बाद फिर यहाँ से हम चले जाते हैं, यहाँ से इस रक्षाबंधन को और इस चंदन को ऐड कर लेते हैं। दोनों को ऐड करने के बाद पहले इस रक्षाबंधन को यहाँ पर लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से। फिर इसके बाद इस पर क्लिक करके इसको डुप्लीकेट ले आना है। डुप्लीकेट बनाने के बाद इसका ऑपेसिटी एकदम कम कर देंगे, फिर इसको भी क्लिक करके इसका भी ऑपेसिटी कम कर देंगे। फिर उसके बाद चंदन पर क्लिक करके इसका साइज और कम कर लेंगे। हमारा फोटो हो गया कंप्लीट, इसको सेव कर सकते हैं।